नमस्कार, मैं मोहित हूँ। समाजवादी पार्टी के असली चाणक्य और एटा से एमएलसी प्रत्याशी उदय वीर सिंह का पर्चा उनके हाथ से छीन लिया गया। मारपीट भी की गई, पर्चा छीन कर फाड़ दिया गया। एमएलसी चुनाव न केवल चुनौती है बल्कि प्रशासन से भी लड़ना पड़ेगा। अच्छा सर, ये सर जीत के क्या रणनीति सर बनी है? ये रणनीति बताई नहीं जा सकती सर। नीति आयोग नामांकन का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन उदय वीर सिंह पर्चा दाखिल करने गए थे। उदय वीर सिंह सपा के चाणक्य हैं तो पर्चा दाखिल करने की कोई ना कोई तरकीब उनके पास होगी ही। चाणक्य लोग कच्ची गोली नहीं खेलते, ना ही आखिरी दिन पर्चा दाखिल करने जाते हैं। अब पर्चा छीनने कोई हुलहुलू जैसे तो गया नहीं होगा। पंचायत चुनाव में छीना झपटी सबने देखी थी, अगर फिर भी सपा इसके लिए तैयार नहीं थी, इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। ना ही लोकतंत्र का रोना रोने से कुछ होगा। अगर समाजवादी पार्टी के चाणक्य उदयवीर सिंह पर्चा नहीं भर पाए तो राजनीतिक नौसुखियापने का स्मारक एटा में स्थापित करवाने का समय आ गया है। उदयवीर सिंह एटा मैनपुरी मथुरा को मिलाकर बनी एमएलसी सीट से सपा प्रत्याशी थे। एटा के कलेक्ट्रेट परिषद में नामांकन करने पहुंचे थे। जैसे ही वो गेट पर पहुंचे तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनके हाथ से नामांकन का पर्चा छीन लिया और फाड़ दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में बवाल शुरू हो गया, नौबत मारपीट तक आ गई। बीच बचाव करने पहुंचे पुलिस से भी सपाइयों की भिड़ंत हो गई। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद स्थानीय निकाय की 36 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसके नामांकन का आखिरी दिन आज यानी 21 मार्च थी। आखिरी दिन ही उदयवीर सिंह नामांकन करने पहुंचे थे। एटा मैनपुरी मथुरा सीट से उदयवीर सिंह 2016 में सपा के टिकट पर विधान परिषद का चुनाव जीते थे। इस बार फिर सपा ने उन्हें टिकट दिया है। खैर, इस खबर के बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।